धन्यवाद सभापति महोदय जी। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक 127 के स्थान पर 105वां संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए। माननीय जी उपसभापति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। अभी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। मोशन मूव। मैं थोड़ी अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का, सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ओबीसी के हितों से जुड़े हुए इस बिल पर चर्चा करने में जो सर्वानुमति बनी है, ये सर्वानुमति आने वाले समय में एक इतिहास की रचना करने की दिशा में हम पढ़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 का जो आशय है वो ओबीसी की अपनी राज्य की जो सूचियों का रखरखाव करने के लिए और राज्य सरकार की शक्तियां बहाल करने के लिए है। ओबीसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे ओबीसी की केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को जो संवैधानिक दर्जा दिया, इस संवैधानिक दर्जा दिए जाने से ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन 100वां अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, इसके साथ ही एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी उस शिकायतों की जांच करने की शक्ति भी प्रदान की है। माननीय उपसभापति महोदय जी, इसके साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज के जो अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए जो 20% आरक्षण प्रदान किया गया है, इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4000 अतिरिक्त सीटें प्राप्त होंगी और इससे ओबीसी के हमारे जो छात्रों में काफी विश्वास का भाव जागृत हुआ है। माननीय सभापति महोदय जी, संविधान संशोधन विधेयक 105 2021 को प्रस्तुत करने के लिए जो 27 आरक्षण जो प्रदान किया गया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी माननीय दलों के नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इसको इसमें अपना सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का जो अनुमोदन है इन्हीं प्रयासों के क्रम में है। यह संशोधन राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार की शक्तियों को बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102 संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था और उसी को अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल है उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कुल ओबीसी समुदाय के लगभग 5 में से यानी 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रावधान करने के लिए राज्य के अधिकार का सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल किया जा सकेगा। संविधान 102 संशोधन अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा, यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि विधायी मंशा की व्याख्या में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं जो राज्य अथवा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से हैं पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। माननीय उपसभापति महोदय जी, संविधान संशोधन 105 अनुच्छेद 342 के खंड 1 और 2 में संशोधित करेगा और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खंड 342 से 3 प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त 366
26 सी और 338 बी 9 में एक परिणामी संशोधन होगा। माननीय उपसभापति महोदय जी, अनुच्छेद 342 1(1) खंड 1 में केंद्रीय सूची शब्द को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाएगा कि प्रावधान केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए है। अनुच्छेद 342 के खंड 2 में एक स्पष्टीकरण पैरा जोड़ा जाएगा जिसमें उल्लेख होगा कि केंद्रीय सूची का अर्थ केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए और उसके लिए तैयार और बनाए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है, इससे अस्पष्टता से बचा जा सकेगा। अनुच्छेद 342 में एक नया खंड 3 जोड़ा जाएगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि प्रत्येक या राज्य या संघ राज क्षेत्र कानून के द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है जिसमें प्रविष्टियां केंद्र सूची से भिन्न हो सकती हैं। इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 366-26 सी में संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केंद्रीय और राज्य सूचियां केंद्र सरकार अथवा राज्य संघ राज क्षेत्र जैसा भी मामला हो के उद्देश्यों के लिए हैं। राज्य की ओबीसी सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ अनिवार्य परामर्श की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। मनीष उपसभापति महोदय जी, ये संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय करेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ अनुरोध करता हूं माननीय सदस्यगण इस पर अपने विचार रखें और इसको पारित कराने में अपना सहयोग दें।